हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास फीफा 22 में ये एरर आ रहा है एक्सेसिंग सर्वर डाटा, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है एंटीवायरस डिसेबल करना है। अगर आप कोई भी एंटीवायरस को यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आप विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को भी जो है डिसेबल कीजिए। आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है विंडोज़ सिक्योरिटी, उसके बाद आप क्लिक कर कर इसको ओपन कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो आपको इनको डिसेबल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप ये सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर टाइप कीजिए, आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर सर्विसेज टैब में आना है और यहां पर आपको इस बॉक्स में चेक करना है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। उसके बाद आप यहाँ पर डिसेबल ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप टैब में क्लिक करना है। फिर आप जो है यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ऐप्स यहाँ पर बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो आप उसको डिसेबल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको क्लिक कर यहाँ पर एप्लीकेशन को डिसेबल कीजिए। अब ये बैकग्राउंड में रन नहीं होंगे। उसके बाद आप जो है टास्क मैनेजर को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप ये सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है आपके वाईफाई को एक बार डिसेबल कर देना है। आप उसको फॉरगेट कीजिए, फॉरगेट कर फिर से रिकनेक्ट कीजिए। फिर आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चेंज एडाप्टर सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है सेलेक्ट करना है इस तरीके से, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप फीफा 22 गेम जो है अगर आप स्टीम एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ओरिजिन एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कीजिए। फिर आपको जो है वेरीफाई गेम्स फाइल्स, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको इस गेम के फाइल्स को जो है वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। फिर आप जो है पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।